दोस्तों, यदि आपके पास आधार कार्ड है और आप छोटा मोटा लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन केवल आधार कार्ड से कैसे ले सकते हैं। आपको किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और बहुत ही आसानी से आप 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन सेंक्शन करा सकते हैं। आपको किसी भी सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं, ना ज़मीन की, ना जायदाद की, ना किसी सोना गिरवी रखना, आपको कुछ भी नहीं रखना है। केवल आपके पास आधार कार्ड हो और आपको लोन मिलेगा। और यह लोन कोई प्राइवेट कंपनी नहीं दे रही है, आपको डायरेक्ट सरकार दे रही है, वो भी आपको बिजनेस करने के लिए, बिजनेस अगर आपके पास है तो उसे बढ़ाने के लिए या कोई नया प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। लेकिन यह लोन, क्योंकि इसीलिए अमाउंट यहां पर कम रखा गया है जिससे प्रत्येक लोगों को लोन मिल सके। अगर हम बात करें सरकार की या किसी भी बैंक की, अगर ज्यादा लोन देगी ना तो आपसे सिक्योरिटी महज लेना ही लेना तय होता है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी लोन नहीं दिया जाता है। तो लेकिन यह 10 से 50,000 के बीच में ही लोन है तो कम अमाउंट है, तो आपको आसानी से ऑनलाइन लोन ये मिल जाता है। इस लोन को सरकार मुहैया करा रही है और इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना के तहत ये लोन दिया जा रहा है 10,000 से 50,000 तक का। तो इसी का प्रोसीजर बताएंगे हम, कैसे आप लाइव केवल आधार कार्ड से ही इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से अपने बैंक अकाउंट में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल के साथ, कैसे लोन लेना है और आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पीएम स्वनिधि योजना को जानने के लिए सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्राउज़र पर आइएगा और उस पर पीएम स्वनिधि, यहाँ पर लिखना है स्वनिधि योजना, और इसके बाद आपको झागड़े न्यूज ज़रूर लिखना है दोस्तों, झागड़े न्यूज। इससे क्या होगा, मेरा ही वेबसाइट आएगा और जैसे आप देखेंगे तो पहला ही वेबसाइट मिल जाता है पीएम स्वनिधि योजना लोन अप्लाई प्रोसेस, यूआरएल आप जांच लें, झागड़े न्यूज.com का ही होना चाहिए। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप देखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे पूरा डिटेल। मैंने यहाँ पर बता रखा है कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है, कैसे आप आधार से लोन ले सकते हैं। मैं आपको लाइव करके ही सारा डिटेल दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ वेबसाइट का लिंक दे रखा है डायरेक्ट pmswanidhi.mou.gov.in, इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो ये देखिएगा, ये है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। हाँ, जो लिंक है वो भी आप pmswanidhi.mou.gov.in से स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर पूरा आप आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्कीम इंस्ट्रक्शन, नॉलेज सेंटर्स, FAQ, व्हाट्स न्यू, कॉन्टेक्ट, लॉग इन ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिएगा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना, अप्लाई लोन फॉर 10K, मतलब 10,000 के लिए, अप्लाई लोन फॉर 20K, 20,000 के लिए, अप्लाई फॉर LOR, ये बताऊँगा क्या होता है, अप्लाई लोन असम एंड मेघालय के लिए अलग से टैब दिया गया है, स्वनिधि से समृद्धि पीएम डैशबोर्ड वगैरह दिया गया। तो आप यहाँ पर पहले और भी चीज़ें देख लें। प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन, आपको कैसे लोन अप्लाई करने से पहले प्लानिंग आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्टेप 1, अंडरस्टैंड द लोन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। आप पहले समझ लें कि लोन की जो रिक्वायरमेंट वो क्या है। मेक श्योर योर मोबाइल नंबर इज लिंक्ड टू योर आधार, आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही आवश्यक है। चेक और एलिजिबिलिटी स्टेटस एज पर स्कीम, आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, इसके बाद आप ये आवेदन कर पाएँ। और यहाँ पर देख लें फर्स्ट टर्म में, पहले फेज में जो एलिजिबल एप्लीकेशन थे 42 लाख लोगों को ये लोन दिया जाना था, जिसमें कि अभी केवल 31 लाख लोगों को ही लोन सेंक्शन हो पाया है, जिससे डिस्ट्रीब्यूट जो हुआ है वो 28 लाख को हुआ है, रिटर्न बाय बैंक, जो बैंक ने रिटर्न किया वो 6 लाख को, और इन एलिजिबल 8 लाख इसमें एलिजिबल किए गए हैं, और शायद लोन जो रिपीट हुआ है, जिन्होंने लोन पे कर दिया है, वो 7,70,000 हो चुके हैं लोग। सेकेंड फेज में इतना लोन का टारगेट रखा गया था, इनको कुछ इतने लोगों को सेंशन किया गया, वगैरह देख सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप अप्लाई लोन फॉर 10K पर क्लिक करेंगे। तो आप इस पर जैसे करते हैं अप्लाई लोन पर, तो सबसे पहले आपसे मांगा जाता है आपका एक मोबाइल नंबर, और इसके बाद आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना है। आई OTP पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर चेक वेंडर कैटेगरी, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट एप्लीकेशन, यहाँ पर 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी सिलेक्ट करनी है दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर इन अ पोजीशन ऑफ कैट, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या आइडेंटिफाई कार्ड इशूड बाई अर्बन या लोकल बॉडीज। दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं, अगर आप शहरी हैं, तो यहाँ पर नगर पालिका जो होती है वहाँ पर एक के
स्ट्रीट वेंडर का सर्वे करवाती है और वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मुहैया कराती है। तो वही पूछ रहा, अगर आपके पास सर्वे में आपने आपका सर्वे हो चुका है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है। और जैसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे पहले आपको वही इंटर सर्वे रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा। अगर नहीं है तो डोंट हैव एसआरएन फाइंड हेयर, आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द सर्वे बट हैव नॉट बीन इशूड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग। बोला आपको स्ट्रीट वेंडर का जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आइडेंटिफाई किया तो गया है बट आपके पास कोई भी इशूड सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको फिर से एसआरएन नंबर डालकर आगे बढ़ना है। अगर हम थर्ड की बात करें, स्ट्रीट वेंडर लेफ्ट आउट ऑफ यूएलबी एलईडी आइडेंटिफिकेशन सर्वे और who have started wandering after completing of the survey and have been issued a letter of recommendation to that affected by the ULB town wind। अगर आपके पास ना तो आपने सर्वे में भाग लिया है ना ही आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं लास्ट ऑप्शन स्ट्रीट वेंडर ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट पेरी अर्बन रूरल्स एरिया, अगर आप रूरल्स एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो मैं जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप कैटेगरी सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर मैं सी पे आता हूँ, सी पे क्लिक करूँगा। आप काइंडली सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन, यहाँ पर जैसे आप थर्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे ये फिर से आपको दो ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। आई हैव बीन इश्यूड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके पास इशूड लेटर है तो यस करें, नहीं तो आई हैव नॉट पर क्लिक करके क्लिक करना है। जैसे नीचे क्लिक करेंगे काइंडली चूज द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड वन टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, आई एम अ मेम्बर ऑफ एनी ऑफ वेंडर या ओके, देखिए आई हैव रिसीव्ड वन टाइम असिस्टेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन ये क्लिक करना है। और नेम ऑफ एसोसिएशन आपको या तो ये वाला क्लिक करना है या तो आपको आई एम अ मेम्बर अगर आप हैं तो वो क्लिक करके भरना है। नेम ऑफ एसोसिएशन आपको अगर पहला क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा, अब आपका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा। हालांकि आधार कार्ड नंबर डालेंगे और इसके बाद आपका आधार कार्ड में एक ओटीपी आएगा जो रजिस्टर्ड होगा मोबाइल नंबर, उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा दोस्तों। तो आपको ऐसा आधार कार्ड नंबर डालना है जिस पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना है या मैंडेटरी है। तो चलो मैं अपना आधार डाल देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आपका जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करना है। तो जैसे आप आधार नंबर डालकर ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं तो देखिए आधार वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होता है हो जाता है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट करके रख लेना है। और इसके बाद आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, अब आपको ये फॉर्म भरना है। सबसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है जो कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी आधार कार्ड से ले ली जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम यहाँ पर उसने नहीं लिया है तो आपको मैनुअली फादर्स नेम डाल देना है, आपके जो भी पिताजी का नेम हो। इसका डेट ऑफ बर्थ ले लिए, मैरिटल स्टेट आपको सिलेक्ट कर, सिंगल हैं मैरिड हैं जो भी हों आप। और इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पहले से लिया होगा, जेंडर कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जो भी हो वो, और नेट अर्बन है रूरल आप शहरी हैं ग्रामीण जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो भरना है। पीडब्ल्यूडी माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप यस करें अन्यथा नो करें। पीडब्ल्यूडी अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करें अन्यथा तो नो करें। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से है, अगर आप वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इसमें कुछ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो सबसे फैमिली डिटेल फिल करनी होगी, सबसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स आपके घर पे कितने पहले फैमिली डिटेल पे क्लिक करना होगा। नंबर ऑफ फैमिली डिटेल आपके यहाँ कितने, एक लोग हैं दो लोग हैं जितने भी लोग होंगे वो आपको यहाँ पर डिटेल फिल कर देनी है और उसकी एंट्री करनी है। जैसे नंबर ऑफ़ फैमिली सिलेक्ट करेंगे अब आपको यहाँ पर उनके नाम, रिलेशन क्या है और एज क्या है वो तीन चीज़ें डालनी है। पर्सनल एड्रेस आपको डालना है, हाउस नंबर और या लोकेलिटी जो भी है आप पर्सनल एड्रेस में, वैसे आपका पर्सनल एड्रेस वहाँ से इसने ले लिया है आधार कार्ड से। अगर आपका पर्सनल एड्रेस देखे ऑटोमेटिक सब फिल हो गया है, करंट एड्रेस और पर्सनल एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक कर देना है।
तो आपका नीचे वाला भी फिल हो जाएगा। अब वेंडिंग एक्टिविटी भरनी है। वेंडिंग एक्टिविटी देखिए आप किस टाइप का काम करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड एंड फूड आइटम्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, होम डेकोरेशन, किचन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स, फ्लावर्स, प्लास्टिक्स, सर्विसेज कोई देते हैं, ब्यूटी एंड फैशन, जिस टाइप का भी आप काम करते हो भरना है। अगर आपका इनमें से कोई भी काम नहीं करते हैं तो आपको अदर पर क्लिक करके उस काम को यहाँ पर डाल देना है। इसका प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप फिक्स लोकेशन है या मोबाइल हैं, मतलब आप एक जगह है, आपकी दुकान है, शॉप है, या आप घूम घूम कर काम करते हैं, जो भी हो वो आपको डाल देना है। ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, कब से आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। लोकल एरिया ऑफ वेंडिंग, कहाँ पर आप काम करते हैं वो आप, सबसे मोबाइल लोकेलिटी कहाँ पर काम करते हैं, नियरेस्ट लैंडमार्क्स क्या है, स्टेट्स क्या है, टाउन क्या है, और ULB स्लेब भी, सब डिटेल आपको फिल करनी है। अब आपको एवरेज मंथली सेल डालनी है, आप मंथ में कितना सेल कर लेते हैं। आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट, अब आपको यहाँ पर एक बैंक अकाउंट देना है जो कि आधार लिंक्ड होना चाहिए। वो नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ ब्रांच, IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालना है। और अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो यस करना, अन्यथा नो कर देना है। अब पेमेंट एग्रीटर आपको यहाँ पर देना है। पेमेंट एग्रीटेटर्स में आप कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अन्यथा नो कर दें। प्रीवियस लोन अगर आपका कोई भी है तो वो डिटेल भर देनी है, बैंक का नाम, करंट लोन कितना है, मंथली EMI कितनी है, अगर नहीं तो आपको छोड़ देना है। अब लोन अमाउंट, आप कितने लोन, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम भी 10,000 तक ही आप लोन ले सकते हैं, तो आप 10,000 यहाँ पर डाल दें, जितना लोन लेना चाहते हैं। ये देखिए लोन अमाउंट रिक्वायर्ड मस्ट बी 10,000, मतलब 1,000 से लेकर 10,000 तक आप लोन ले सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा डाल दिया था, आप 10,000 डाल दिया। ओके, लोकल रेफरेंस, अब आपको कोई दो लोगों के ऐसे नाम देने जो आपका रेफरेंस हो, आप अपने अगल बगल पड़ोसियों का नाम दे सकते हैं, उनका नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ओके, हालांकि यहाँ पर ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, अगर आगे पता चलेगा जब मैं सबमिट करूँगा, अगर नहीं लेगा तो फिर देना पड़ेगा। अवेलेबल बेनिफिट्स अंडर एनी ऑफ फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम AEF, इफ यस प्लीज सिलेक्ट। अब देखिए आयुष्मान भारत, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं, जैसे आवास योजना, इन सभी के नाम यहाँ दिए गए हैं, जिसका भी आप लाभ ले रहे हैं पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर नहीं ले रहे तो कुछ भी मत सबमिट करें, मतलब आपको सारी डिटेल एक बार चेक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही देखिए आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ ग्रीन, यहाँ आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फ़ोटो आपका आधार से ले लेगा, अगर आपको फ़ोटो देखना है तो इस पर आप क्लिक करें। देखिए ये फ़ोटो आपका लिया है जो आपका आधार कार्ड में लगा होगा। ओके, अब बस आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस विजिबल टू ऑल लेंडर्स इन योर नियर बाई एरिया। सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफर्ड लेंडर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है किस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, आपका जो भी नज़दीकी बैंक आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना होगा, या तो सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस, जो भी बैंक आपको दे उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप खुद से चाहें कि नहीं मुझे इसी ब्रांच से लोन लेना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर ऊपर वाला ऑप्शन आता है आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है, अगर नीचे वाला करते हैं तो आपसे पूछता है कहाँ से आप लोन लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसी ब्रांच से स्पेसिफिक चाहिए तो आप नीचे वाले पर क्लिक करके उस ब्रांच और नेम उनका सिलेक्ट करना, अन्यथा आप ऊपर वाला क्लिक कर दें। डिक्लेरेशन है, आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर करना होगा और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन नंबर दिस, आपको इस एप्लीकेशन को नोट करके रख लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, और जो मैंने डिटेल बताई है ना वो सारी डिटेल आप वहाँ पर भी वेरीफाई करा सकते थे जहाँ आप काम करते हैं, या बैंक जाकर भी करा सकते हैं। मैंने बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आप बैंक जा सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही वेरीफाई कराना चाहते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पर भी वेरीफाई होता है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना होगा और आप बैंक सिलेक्ट करें, बैंक में अपने सारे दस्तावेज ले जाकर वहाँ पर चेक करा दें और आपका लोन सेंशन हो जाएगा, आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।